तो आज हम बात करेंगे बेस्ट फोन अंडर 10,000। जी हाँ, 10,000 से नीचे आपको क्या कुछ फ़ोन अभी देखने को मिल रहा है। और इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैं अंडर 6,000, तो उस वीडियो में पता चल जाएगी 6,000 से नीचे क्या है। और ये बहुत सारे लेनोवो के अभी ऑफर चल रहे हैं, तो वो फ़ोन भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम बात करेंगे 10,000 से नीचे क्या कुछ बेहतरीन फ़ोन मिल रहा है। और अभी के लिए जितने फ़ोन बताऊंगा उसमें से जो नया फ़ोन है उनमें तो आपको ऑफर वगैरह नहीं मिलेगा उतना, लेकिन जो थोड़ा 6 महीने 7 महीने पुराने हैं उनमें आपको अच्छा खासा फ्लिपकार्ट पर, क्योंकि ऑफर चल रहा है, अमेजन के ऊपर ऑफर चल रहा है, तो आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही ऑफर के साथ आप उसको खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को देखना है और आपको जानना है कि बेस्ट फोन 10,000 से नीचे आपको क्या कुछ मिल रहा है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले तो बात करेंगे नए फोन जो लॉन्च हुआ है, और उसके बाद हम थोड़ा ओल्ड फोन के तरफ जाएंगे, और वो भी अच्छे फोन है इसीलिए उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले रियलमी 5i से। जी हाँ, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये एक रिप्लेसमेंट है रियलमी 5 का। जी हाँ, सेम टू सेम दिखता है, इसमें कोई चेंजेस वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो रियलमी 5i में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 6.5 इंच का एक HD वाला डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, फुल HD वाला नहीं, HD+ वाला डिस्प्ले मिलता है, एक मिनी सा नॉच मिल जाता है, और क्या कुछ मिलता है तो 4 GB रैम मिलता है, 64 GB स्टोरेज के साथ आता है, और साथ साथ 5000 mAh का बैटरी है, और क्वालकॉम का 665 प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करते हैं तो 12 MP का प्राइमरी कैमरा है, टोटल पीछे की तरफ आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, और सामने तरफ एक 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसका प्राइस है 8999, यानी कि 9,000 रुपये में ये आपको देखने को मिल जाता है 4GB 64GB वर्जन। और इसका दूसरा कोई वर्जन नहीं आता है, सीधे ऊपर में आता है जैसे कि रियलमी 5 का आता है। उसके बाद बात करते हैं तो जो दूसरे नंबर पे है वो है रियलमी का 5S। ये भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ़ोन है, और इसका स्पेसिफिकेशन लगभग जो सेम है रियलमी 5i की तरह, लेकिन क्या चेंजेस है उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, HD+ वाला सेम है, यहाँ पे भी आपको 720 मिलता है, 1080p वाला डिस्प्ले यहाँ पे भी आपको देखने को नहीं मिलता है। रैम रोम की बात करें तो 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ये आता है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलता है, जो 5i में आपको 12 MP का मिल रहा था प्राइमरी कैमरा, यहाँ पे आपको 48 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, और ये भी क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, यानी कि पीछे तरफ आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, और सामने तरफ आपको 13 MP का, जो कि रियलमी 5i में आपको 8 MP का देखने को मिल रहा था, यहाँ पर आपको 13 MP का फ्रंट में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के साथ ये भी आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो 4GB 64GB वेरिएंट है उसका प्राइस है 9999, यानी कि 10,000 रुपये में ये आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपको रियलमी का पसंद नहीं है फ़ोन, बहुत सारे होते हैं रियलमी पसंद नहीं है, तो रियलमी 5i या 5S आपको पसंद नहीं है तो आप कंसिडर कर सकते हैं रेडमी नोट 8 को। जी हाँ, ये भी सेम प्राइस के साथ आता है, क्या कुछ मिलता है वो भी आपको मिल जा बता देता हूँ। यहाँ पर भी आपको 6.3 इंच का, यहाँ पर 5 इंच का नहीं मिलता, लेकिन इस यहाँ पर आपको 6.3 इंच का फुल HD+ वाला डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, ये थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे आपको फुल HD+ वाला यानी कि 1080p वाला डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम 665 प्रोसेसर मिल जाता है। प्राइमरी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 48 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 5i में नहीं मिलता, लेकिन 5S में आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर आपको 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 9999 रखा गया है। जी हाँ, 10,000 रुपीज़ में ये आपको देखने को मिल जाता है। और इसका खास बात है, यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर 18 वाट का चार्जर मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग मिलता है, और साथ साथ यहाँ पे टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि बताया कि ये तीनों फ़ोन आपको क्वालकॉम का 665 प्रोसेसर के बेस ऊपर देखने को मिल जाता है। तो और थोड़ा पीछे आते हैं और थोड़ा आउटडेटेड जो फ़ोन रहेगा उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो रेडमी की तरफ से उस तरह आता है रेडमी नोट 7 प्रो। जी हाँ, पिछले साल का हिट फ़ोन है ये। नोट 7 प्रो में आपको क्या मिलता है खासियत, इसका अभी प्राइस घट के हो गया है 9999, और इसके साथ ऑफर भी चल रहा है। जैसे कि बताया कि जो नया फ़ोन है उसमें आपको ऑफर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो थोड़ा ओल्ड हो गया उनमें आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी प्राइस है 10,000 में, लेकिन अगर आप ऑफर डालेंगे तो आपको ये 9,000 में देखने को मिल जाएंगे। स्पेशल क्या है तो यहाँ पे आपको 6.2 इंच का फुल HD+ वाला डिस्प्ले मिल जाता है,
यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। क्वालकॉम का 675 प्रोसेसर देखने को मिलता है। जी हाँ, ये 665 से बेहतर प्रोसेसर है। तो अगर आपको थोड़ा अच्छा प्रोसेसर है तो इसको भी आप कंसर में ले सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh का बैटरी मिल जाता है, 4GB 64GB के साथ ये आता है, तो ये एक अच्छा चॉइस हो जाता है। और उस तरफ की बात करें यानी कि रियलमी की बात करें तो वहाँ पर और एक बेहतरीन प्रोसेसर वाला फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि है रियलमी का 3 प्रो। जी हाँ, इसका भी प्राइस अभी घट के 9999 हो गया, यानी कि 10,000 में आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये भी आपको 9,000 में मिल सकता है क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है, तो इसको भी आप ऑफर में खरीद सकते हैं। क्या कुछ मिलता है तो 4GB 64GB वेरिएंट है। स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.3 इंच का फुल एच डी प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको फुल एच डी प्लस यानी कि 1080p वाला देखने को मिल जाता है। क्वालकॉम का 710 वाला यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल जाता है, तो ये जो 675 है उससे भी बेहतर प्रोसेसर है, 710 प्रोसेसर ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको दो कैमरे देखने को मिलता है, 16MP और 5MP का, और फ्रंट पे आपको 25MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप कंसिडर में ला सकते हैं। और जी हाँ, अगर जितने आप ओल्ड जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 कैमरा तो देखने को नहीं मिलेगा, 2 कैमरा देखने को मिल सकता है जो कि अच्छे खासे फोटो खींच सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली ये जो 2-3 कैमरे लगाते हैं उतना खास फर्क नहीं पड़ता है, जो प्राइमरी कैमरा होता है वही आपसे सबसे बेटर रहता है, तो जो 48MP है या फिर 16MP है जो भी है वो भी अच्छी फोटो खींच सकते हैं। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो इन दोनों फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि नोट 7 प्रो हो गया, रियलमी 3 प्रो हो गया। तो ये हो गए 10,000 के रेंज, यानी कि 9 से लेकर 10,000 के अंदर क्या कुछ फ़ोन आपको देखने को मिलते हैं मैं बता दिया। वो आप थोड़ा नीचे जाते हैं, यानी कि अगर आपका बजट है 8,000 तो उसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, तो 8,000 में नहीं लेकिन 7,000 में आपको एक अच्छा फ़ोन मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, जो कि है Realme 3, या पे 3i बोल सकते, 3i में आपको P60 प्रोसेसर देखने को मिलता है और 3 में आपको P70 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों का जो 3G 32GB वर्जन है वो आपको 7,000 में देखने को मिल रहा है, और उसके साथ अगर आप ऑफर डालेंगे तो वो और भी नीचे जा सकता है। जी हाँ, ये एक बेस्ट है, अगर आप ऑफर डालेंगे तो लगभग 700 रुपये घट जाएगा, यानी कि आपको 6,300 के आसपास ये बेहतरीन फ़ोन आपको मिल सकता है, 3GB 32GB वेरिएंट। क्या कुछ मिलता है तो वो भी थोड़ा सा बताते हो आपको। यहाँ पे आपको 720p वाला डिस्प्ले मिलता है, और जैसे कि बताया कि जितना ओल्ड होते हैं 2 कैमरा आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप पीछे की तरफ 2 कैमरा देखने को मिलता है, 13MP प्लस 2MP, और सामने की तरफ आपको 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे P70 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.22 इंच का यहाँ पे आपको स्क्रीन देखने को मिल जाता है। और बैटरी की बात करें तो 4230 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट 7,000 है तो अभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, ये आप ले सकते हैं, 6,300 में ऑफ़र डाल के हो जाएगा। तो अगर आपका बजट 7,000 या 8,000 भी है तो 8,000 में ये कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा पैसा डाल के जो बताया वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 7,000 बजट है तो इसको आप जरूर से कंसिडर करेगा, रियलमी का 3। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, ये एक छोटा सा वीडियो, तो आई होप आपको पसंद आया होगा और जितने बताया फ़ोन अच्छे लगे होंगे। आपका क्या रिकमेंडेशन है, आपको क्या इस 10,000 के नीचे देखना चाहिए था वो भी आप बता सकते हैं, और कौन सा सेगमेंट और देखना चाहते हैं, यानी कि 8,000 से नीचे या फिर 7,000 से नीचे, और कौन सा अलग सेगमेंट आप देखना चाहते हैं वो भी कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर देना, इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएंगे। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे थे रिकमेंडेड वेब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।